की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा के बाद अब छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। छत्तीसगढ़ में भी राज्यसभा की 2 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा। हालांकि चुनावों की घड़ी नजदीक है, लेकिन चेहरों को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। खाली हो रही इन दोनों सीटों पर चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। राज्यसभा के लिए 31 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जून तक उम्मीदवार को नामांकन पत्र वापस लेने का मौका दिया जाएगा। 10 जून को राज्यसभा के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 10 जून को ही परिणाम जारी किए जाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस की संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस में 20 से ज्यादा दावेदार सक्रिय हैं। सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस 1 सीट पर बाहरी और 1 सीट पर स्थानियों को मौका देने जा रही है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार ओबीसी समाज की दावेदारी पक्की है, जिसमें साहू समाज का नाम पहले आ रहा है। दूसरे वर्ग के नेता भी राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इधर भाजपा राज्यसभा सीट पर बाहरी लोगों को मौका देने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। आने वाले समय में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 2 सीट छत्तीसगढ़ में भी है। लगातार छत्तीसगढ़ियों को जागृत करने का काम, छत्तीसगढ़ियों के भावनाओं को उभारने का काम, लेकिन छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान को केवल जगाना नहीं बल्कि उनको लाभ पहुंचाना, छत्तीसगढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों में खड़ा करना है। अब ये 2 राज्यसभा के सदस्य के चुनाव आए हैं, अभी आपके सामने पता लग जाएगी कि कितना छत्तीसगढ़ियों से प्रेम है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा इसकी चिंता कर दुबले ना हो, बल्कि उन्हें भाजपा की चिंता करनी चाहिए। जिस भाजपा में बोरेबासी खाने वालों को, जिस भाजपा में भौरा गेड़ी चलाने वालों को, जिस भाजपा में रसूली घूमने वालों को दोयम दर्जे के नज़र से देखा जाता है, जिस भाजपा में छत्तीसगढ़ियों का स्थान दूसरा है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोरेबासी खाने वालों की चिंता भी करते हैं और बोरेबासी को विश्व में कल स्थान भी दिलाए हैं। बहरहाल अब राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब देखना होगा कांग्रेस बीजेपी के स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को जाति समीकरण के जरिए से कैसे साधती है। INH 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट।